हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आपका कल मैथ्स का पेपर है फर्स्ट टर्म का, तो बहुत सारी प्रैक्टिस आपने अभी तक पूरी कंप्लीट कर ली होगी अपनी। आई नो, बिल्कुल घबराना नहीं है बेटा, आपको बहुत आता है और आप आराम से नंबर ले पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। तो एक बार इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फिर से रीचेक करा देती हूँ मैं आपको। देखिए, तीन सेक्शंस में आपका पेपर होगा। पहला सेक्शन ए, जिसमें 20 में से आपको 16 क्वेश्चंस करने हैं। 20 के 20 अगर आप कर देंगे तो आपके वो चार नहीं लिए जाएंगे लास्ट वाले, सिर्फ ऊपर के 16 काउंट किए जाएंगे, चाहे उनका आंसर आपका सही भी हो। तो इसलिए चॉइस का जरूर ध्यान रखना है कि कितने सेक्शन में से कितने क्वेश्चंस करने हैं। ऐसी सेम बी में आप 20 में से 16 करेंगे और लास्ट सी में दो केस स्टडीज होती है और दोनों में मिला के 5-5 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से हमें टोटल 8 क्वेश्चन करने हैं, है ना। तो आप देखिए बेटा, अब क्या करना है आपको, ये मैंने आपको बार बार कहा है कि जो आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा वो आपको बेस्ट यूटिलाइज करना है। और इसके साथ ही आपको रफ शीट मिलेगी, है ना, तो क्वेश्चन आपको उस रफ शीट पे सॉल्व करने हैं। और जब आप उसको 20 मिनट में आप अपना क्वेश्चन देखेंगे ना, जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, आपको पता चल गया कि उसका ऑप्शन सी है, तो आप रफ शीट पर ही उसको आंसर लिख लेंगे, ओएमआर में डायरेक्ट नहीं भरेंगे, बिल्कुल पक्का ये ध्यान रखना है। फिर सेकंड क्वेश्चन आपने देखा, आपको लगा कि ये कुछ टफ है, टाइम नहीं लगाना, आगे बढ़ जाना है। थर्ड क्वेश्चन आपने देखा कि आप इजीली कर सकते हैं, उसका आंसर भी आपने देख लिया, जो भी कुछ आंसर है उसको आपने वहाँ पे नोट कर लिया। इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन और पेपर में आप बेटा इसको जो रफ शीट पे कर रहे हैं ना काम, पहली बात तो रफ शीट पे सारे आंसर आप सेटअप कर लोगे, जहाँ आपको लगे मुश्किल है उस पे आगे बढ़ जाना है, उस पे अभी टाइम नहीं लगाना। पहले आपने अपने 20-25 क्वेश्चन ऐसे देख लेने हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से आते हैं और पक्का आपको आते भी होंगे, पक्का है ये बात, क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस करी है, आपको पक्का वो क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे पेपर में, है ना बेटा। तो जो भी आपको टफ क्वेश्चन लग रहा है उसको अभी फिलहाल के लिए छोड़ दें। जब पहले आप सारे ये क्वेश्चंस आप अपने 20-25 आपने देख लिया, उसको एक बार रीचेक भी कर लिया कि हाँ इनके आंसर मैंने सही निकाले हैं, तब आप ओएमआर शीट में उन्हें भर देना। उसके बाद जो आपके टफ क्वेश्चंस रह जाएंगे उन पर आपको अपना टाइम लगाना है, प्रैक्टिस करनी है, और अगर वो क्वेश्चंस आपसे निकल जाते हैं तो उनका ओएमआर में आंसर भर देना है। ये सब करने के बाद भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे बेटा जो आपको लगता होगा कि हमें बिल्कुल नहीं आते हैं, है ना। 40 क्वेश्चन हमें टोटल करने हैं तो आपको लगेगा कि चलो मैंने 35 कर लिए, लेकिन 5 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे, है ना। तो फिर भी ट्राई जरूर करना है बेटा, आंसर छोड़ना नहीं है कोई भी, अगर कुछ करके भी आपको जो भी समझ आ रहा है उसका ऑप्शन भर देना जरूर, ठीक है। तो मेन बात आपको ये ध्यान रखनी है। सेकेंडली बेटा, आप जो ये रफ शीट में काम करेंगे ना, इसमें घिचपिच मत कर देना, इसके सारे ऐसे पार्टीशन कर लेना और आराम से तसल्ली से काम करना। ऐसे नहीं एक इधर लिख दिया, एक इधर लिख दिया, एक इधर लिख दिया, एक इधर, ऐसे करके और बाद में ढूंढते रहे कि ये क्या हो रहा है ना, ऐसा काम बिल्कुल मत करना। पेशेंस रखना, चाहे आपके 5-7 क्वेश्चन नंबर आपके कम हो जाए, लेकिन जो करो वो बिल्कुल सही करके आना है बेटा। इसलिए रफ शीट में ही सिस्टमेटिकली काम करना है आपको। और देखिए बेटा, इसके बाद मैंने सारे चैप्टर वाइज आपको बता ही रखे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हर चैप्टर में इजी भी है और हमने कर भी रखे हैं, तो ये आपको रिवाइज कर लेने हैं एक बार ही। देखिए हर चैप्टर में से बता रहे हैं आपको मैंने ये कि ये चीज़ें एक बार जरूर रिवाइज कर लेना। इनसे रिलेटेड वीडियोज भी मैंने आपको सब शेयर कर दी है, टेस्ट भी हम कई बार कर चुके हैं, ठीक है बेटा। तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।